हाय दोस्तों, मैं हूँ आशीष और आप लोग देख रहे हैं मेड लैब चैनल। आज का जो वीडियो है वो है एक एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। दोस्तों, बुखार हो कट जाने के बाद जो इन्फेक्शन होता है तो उस सब आदि प्रॉब्लम के लिए, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, यूरिन में इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, साथ साथ बुखार को दूर करने के लिए एज ए एंटीबायोटिक आप अपने बच्चे को 3 साल से लेके 7 साल तक उम्र की बच्चे के लिए कौन सा एंटीबायोटिक दोस्तों आप दे सकते हैं, उसके बारे में आज का वीडियो है। तो इस वीडियो को जरूर देखते रहिए लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आए दोस्तों, सबसे पहले ये जो टैबलेट के बारे में बोल देते हैं, सिप्रॉन 250 mg। तो सिप्रॉन 250 mg का यूज क्या है और इसकी यूज किस किस पर्पस में आप लोग कर सकते हैं एज ए एंटीबायोटिक, और इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसकी पूरी की पूरी जो जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। आइए सबसे पहले गौर कर लेते हैं, ये जो सिप्रॉन 250 mg का टैबलेट है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है। दोस्तों, इसमें एक ही सॉल्ट मिलता है, वो है सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन का यूज क्या है, एक टैबलेट में दोस्तों 1 टैबलेट कॉन्टेंट में रहता है। दोस्तों, आपको ये सिप्रोफ्लोक्सासिन 250 mg मिलता है और इसका जो प्राइस है दोस्तों बहुत ही सस्ता है, ये 21 रुपीस में, मतलब 21 रुपीस में आप लोगों को मिल जाएगी ये सिप्रॉन 250 mg का, ये 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप। तो ये बहुत ही दोस्तों सस्ता है और आप इसको आसानी से खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, ये एंटीबायोटिक है तो किसी भी एंटीबायोटिक को दोस्तों आप ऐसे ही इस्तेमाल मत कीजिएगा बिना डॉक्टर परमिशन, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आप इस सिप्रॉन 250 mg का जो टैबलेट है इसका इस्तेमाल किस किस पर्पस में कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, बुखार के लिए डॉक्टर साहब आपको इस सिप्रॉन 250 का इस्तेमाल करने का सलाह दे सकता है। ज़्यादातर क्या होता है, बुखार 2 या 3 4 दिन होने के बाद क्या होता है, जो बुखार जब भी आप पैरासीटामोल का सेवन करते हैं तो थोड़ा टाइम के लिए आपको रिलीफ मिलता है, उसके बाद फिर से दोस्तों थोड़ा टाइम जाने के बाद आपका बुखार फिर से वापस चला आता है। तो उस सब के में क्या होता है, आपको बॉडी में एंटीबायोटिक का जरूरत है। तो उस सब क्षेत्र में आप 3 से लेकर 7 साल तक आप इस बच्चे को, किसी बच्चे को इस सिप्रॉन 250 का सेवन करा सकते हैं। तो क्या होगा, ये एज एंटीबायोटिक इसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी जो बॉडी में दोस्तों बुखार की जो प्रॉब्लम था वो दोस्तों सही हो जाएगा, और साथ साथ आपके बच्चे के यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना या प्रसव में दोस्तों ज्वाला होता है, जलन होता है, तो उस सब क्षेत्र में भी आप एज ए एंटीबायोटिक इस सिप्रॉन 250 का सेवन करा सकते हैं अपने बच्चे को। तो आपके यूरिन में इन्फेक्शन होना, बुखार होना, या साथ साथ किसी बॉडी में किसी पार्ट में दोस्तों काट जाने के बाद जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है त्वचा में, उसको सही करने के लिए आप सिप्रॉन 250 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टैबलेट का और भी बहुत सारा प्रॉब्लम में आप एज ए एंटीबायोटिक इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। दोस्तों, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी मेडिसिन या इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना एकदम जरूरी है, विद डॉक्टर कंसल्ट आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल मत कीजिएगा। आइए इसका डोज कैसे लेना चाहिए उसके बारे में एक बार गौर कर लेते हैं। दोस्तों, ये 250 mg का सिप्रोफ्लोक्सासिन है, तो इस टैबलेट को रोजाना 5 से लेकर 7 साल की उम्र तक आप रोजाना 2 टैबलेट, सुबह 1 टैबलेट आफ्टर फूड, या रात को 1 टैबलेट आफ्टर फूड आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों, इस टैबलेट की पूरी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।